हेलो एवरीवन, हम अभी बैठे हैं टाटा हैरियर रेड डार्क एडिशन जो कि ऑटो एक्सपो 2023 में इसको शोकेस किया गया है। आप देखेंगे इसमें जो नया अपडेट आया है, ये अब 10.25 इंच का टच स्क्रीन डाल दिया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और काफ़ी ज़्यादा इसका टच भी काफ़ी अच्छा है। प्लस इसमें जो ऐड हुआ है फीचर वो है आपका 360 डिग्री कैमरा जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, जो कि आप काफ़ी मतलब बढ़िया। अगर आप देखेंगे तो हम अभी बहुत ही अंधेरे में खड़े हैं, फिर भी इसकी जो विजिबिलिटी है बहुत अच्छी है। तो और ये जो आपको खासकर किसी भी मतलब तंग गलियों में या पार्किंग करते वक्त या छोटी मोटी अगर आप ऑफ रोडिंग भी अगर करते हैं तो उसमें आपको ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कामयाब रहती है। तो आपको काफ़ी यूज़फुल एक फ़ीचर है और टच इसका काफ़ी अच्छा हो गया, पहले वाले से तो बहुत ही बढ़िया है। स्क्रीन भी बड़ी हुई है और टच भी काफ़ी अच्छा हो गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसका जो ये सनरूफ है ये हमेशा से काफ़ी एक अच्छा है, पैनोरामिक सनरूफ है सेगमेंट में काफ़ी बढ़िया रहा है। तो सेम वही पैनोरामिक सनरूफ इसमें भी कंटिन्यू किया गया है और जो कि काफ़ी बढ़िया स्पेशियस है जिसमें दो जने आराम से इसमें से निकल सकते हैं। हालांकि वो सेफ्टी वाइज कितना सही है वो तो आप भी जानते हैं कि मतलब गलत चीज़ है, पर फिर भी इसमें काफ़ी अच्छी स्पेस है, दो जने इसमें आराम से खड़े हो सकते हैं। तो ये तो इसका रहा इसका पैनोरामिक सनरूफ जो कि अपने सेगमेंट में हमेशा से सबसे बढ़िया और काफ़ी स्पेशियस रहा। बाकी इसके अंदर जो है एलईडी लाइट्स हैं जो कि पूरे कैबिन को अच्छी तरह से लाइट प्रोवाइड कर रही है। ये एडास है, यहाँ पे एडास का सिस्टम है, जो इसका नया जो फीचर ऐड हुआ है वो एडास का ही है। इलेक्ट्रॉनिक इसके जो है रियर व्यू मिरर है जो ऑटोमेटिक है। बाकी यहाँ पर जो नेक्स्ट फीचर ऐड हुआ है वो है इसका क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि डिजिटल हो गया है। इसके अंदर बहुत सारी अब इसमें इंफॉर्मेशन ऐड हो गई हैं, आप हर तरह की इंफॉर्मेशन इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं रिलेटेड टू कार। अगर आप देखेंगे तो इसमें अभी जैसे पावर टॉर्क फिगर्स ये सारा कुछ डेफ लेवल कितना है ये सारी जो है इंफॉर्मेशन इसके अंदर अवेलेबल है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़िया एक चीज़ हो गई है जो कि इसमें आपको एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने लगा है। इसके अलावा अगर इधर आप देखेंगे तो ये आपका लीवर है जो कि पहले भी इसमें काफ़ी एक प्रीमियम लुक देता था और अभी भी सेम कंटिन्यू किया गया है, जिसमें आपका वेट मोड, रफ टेरेन मोड, आपका नॉर्मल मोड ये सब इसमें एडेड होते हैं। जब भी आप इस लीवर को घुमाते हैं यहाँ से आप इसके जो मोड चेंज करते हैं तो यहाँ पर भी आपको सेम इस फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में भी शो होता है, जो कि आप देख रहे हैं रफ मोड अभी अगर हमने चेंज किया है तो रफ मोड दिखा रहा है, सेम वैसे ही वेट मोड और नॉर्मल मोड भी दिखाता है। राइट साइड में हिल डिसेंट कंट्रोल है और लेफ्ट साइड में आपका 360 डिग्री कैमरा है जो कि सिर्फ और सिर्फ गाड़ी स्टार्ट होने पर भी आपको शो होगा। बाकी आपका ऑटो होल्ड है, इलेक्ट्रिक आपका हैंड ब्रेक है, पहले मैनुअल हैंड ब्रेक होता था अब इलेक्ट्रॉनिक आपका पार्किंग ब्रेक्स हो गए हैं जो कि एक बढ़िया एक फीचर ऐड हो गया। यहाँ पे ग्लव बॉक्स के अंदर अब आपका जो है एयर ये कूल ग्लव बॉक्स है, यहाँ से आप एयर को फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। 12 वोल्ट का आपका यहाँ चार्जर है, दो अलग से यूएसबी चार्जर है। तो चार्जर के मामले में तो टाटा के ऊपर कभी भी कोई दिक्कत आई नहीं, आपको हर मतलब जहाँ भी आप चाहेंगे वहाँ पर आपको चार्जर मिल जाएगा और चार्ज कर सकते हैं। पीछे से आपका जो मतलब अंदर से जो चेंज किया गया है वो आपके सीट जो है अब वो रेड एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिए गए हैं, तो रेड आपका सीट कवर है। बाकी अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा में जो मोड्स हैं वो आपका सिटी मोड, स्पोर्ट्स मोड और इको मोड है जो कि यहाँ से चेंज होता है और सेम आपको यहाँ इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में भी ये शो करता है जो इस भी मोड में आप इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे इको, सिटी और सेम स्पोर्ट्स मोड भी शो होगा। तो यही सारे फीचर्स हैं जो इसके अंदर ऐड हुए हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो इधर ग्लव बॉक्स सेम वही है पहले की तरह ही, काफ़ी स्पेसियस रहा है इसका ग्लव बॉक्स। ऊपर अगर आप देखेंगे तो फाइल या मैनुअल रखने के लिए भी एक अलग से ट्रे दी गई है, तो ग्लव बॉक्स तो इसका काफ़ी स्पेसियस है। और यही फीचर ऐड हुए हैं जो कि इस गाड़ी के अंदर, जो कि अब मेन जो फीचर एक और ऐड हुआ है इसके अंदर वो है इसका आपका वेंटिलेटेड सीट्स। हाँ, तो आगे के दोनों सीट्स जो हैं अब वेंटिलेटेड हैं और इनके दोनों साइड्स में ही बटन दिए गए हैं जिससे आप एयर फ्लो कंट्रोल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये फीचर है। बाकी अगर फ्रंट में देखेंगे तो ग्रिल के पे आपका एक रेड एलिमेंट ऐड हो गया है और रेड कैलिपर जो है मतलब जो आपका ब्रेक कैलिपर्स हैं वो रेड में उसको भी पेंट कर दिया गया, जो कि बताता है कि ये जो है रेड डार्क एडिशन हैरियर है जो कि नॉर्मल दूसरे हैरियर से डिफरेंट है। तो ये फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं इसके अंदर, 360 डिग्री कैमरा, एडास, न्यू टच स्क्रीन और डिजिटल आपका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और वेंटिलेटेड सीट्स।
बाकी बूट स्पेस तो हमेशा से इसका काफ़ी सही रहा है, बूट मतलब काफ़ी स्पेसियस हमेशा टाटा बनाती है, जिसमें इन्होंने जो स्टेपनी है उसको अब नीचे कर दिया गया है। यहाँ पे आपको टूल बॉक्स मिल जाता है स्टेपनी के लिए, अब जो है इन्होंने यहाँ से हटा के इसको नीचे गाड़ी के नीचे डाल दिया, जिससे काफ़ी अच्छा स्पेस बना है। तो स्टेपनी को कैसे आप मतलब निकाल सकते हैं, वो है यहाँ पर एक लीवर आपको मिलता है जिसको आप घुमाएंगे तो नीचे से आपका स्टेपनी आ जाएगा और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं और ऐसे ही सेम वापस टूल बॉक्स को कवर कर दें काम यूज़ होने के बाद। तो ये सारे बढ़िया फीचर्स में ऐड किए गए हैं जो कि इसको दूसरे टाटा हैरियर से डिफरेंट करता है रेड डार्क एडिशन में, और जो कमी थी पहले इसकी ADAS और 360 की डिग्री कैमरा की उसकी भी पूरी कर दी गई है। तो ये बहुत ही बढ़िया काम किया है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।